जो आने वाला है उसकी बात सब करते हैं, पर जो जा चुका उसके बारे में बात कौन करेगा। मार्वल के फेज 4 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, फेज 5 के नशे और एक्साइटमेंट में ये मत भूलो कि अभी फेज 4 बाकी है। हाँ, फेज 4 अभी तक कुछ खास नहीं गया है, फिर भी मूवीज एंड सीरीज तो सारी देखी ना तुमने। तो इस वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगी फेज 4 की कम्प्लीट टाइमलाइन, जो कि अगर तुम्हें सही ऑर्डर नहीं पता फेज 4 की मूवीज एंड सीरीज का, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। साथ ही साथ अगर तुमने सारी मूवीज देख रखी है तो भी इस वीडियो को देखो, आखिर पता तो चले रिवीजन पक्का है या नहीं तुम्हारा। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हूँ वॉचर और यहाँ तुम्हें मिलेगी पॉप कल्चर से रिलेटेड सभी न्यूज, रिव्यूज एंड अपडेट्स। तो फिर शुरू करो। तो फेज 4 में हमें सबसे पहले देखने को मिली थी वांडा विजन, जो कि डिज्नी प्लस की सीरीज है एंड रिलीज हुई थी अराउंड जनवरी से लेके मार्च के बिटवीन इन 2021। इसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं और इसके टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 घंटों की सीरीज थी और इसको टोटल व्यूअरशिप मिली थी 589 मिलियन की। जलवा है हमारा। वांडा विजन के बाद रिलीज हुई थी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जो कि अराउंड मार्च टू अप्रैल के बिटवीन थी 2021 में। इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और इसका टोटल रन टाइम 5.5 घंटों का है। इस सीरीज में सैम के स्ट्रगल और एक न्यू कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को दिखाया गया है और इसके बाद हमें देखने को मिली मेरी, तुम्हारी, हम सब की फेवरेट लोकी सीरीज, जो टेक प्लेस की इन बिटवीन जून टू जुलाई 2021 में, और इसके भी टोटल एपिसोड 6 थे जिनका टोटल रन टाइम 5 घंटे का था। और 3 सीरीज के बाद मार्वल ने सोचा कि अब एक मूवी भी रिलीज कर देनी चाहिए, तो इसके बाद हमें देखने को मिली ब्लैक विडो की सोलो मूवी। वैसे तो ये मूवी फेज 4 को स्टार्ट करने वाली थी, पर कोरोना ने थिएटर्स की ऐसी लगाई कि इसकी रिलीज डेट आगे शिफ्ट होकर 2021 जुलाई हो गई। इसमें हमें नताशा की बैक स्टोरी दिखाई गई है और ब्लैक विडो यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। इसकी टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे 13 मिनट की है। इसके रिलीज होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हमें सितंबर में देखने को मिली शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स। इसमें हमें टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाया गया, जहां टेन रिंग्स को शांग-ची वील्ड करता है पिक्चर के एंड होते होते। फेज 4 में अभी तक मेजर रोल तो देखने को नहीं मिला है हमें शांग-ची का कोई भी, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा हमें, तो अगर ये मूवी नहीं देखी है तो इसे देखो। अब MCU की सीरीज और मूवीज पर ब्रेक लगाते हुए मार्वल ने अगस्त में रिलीज की अपनी एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ। ये एकदम अलग एंड अल्टरनेट यूनिवर्सेस एंड पॉसिबिलिटीज को दिखाती है, जिसके इनिशियल एपिसोड्स तुम्हें कनेक्टेड नहीं लगेंगे, बट फिनाले आते आते सारी स्टोरीज आपस में जुड़ जाएंगी। इनिशियल इसके 10 एपिसोड होने वाले थे, पर एक एपिसोड पे मार्वल ने कैची चला दी, जिसके बाद इसके टोटल एपिसोड्स 9 है और इसका टोटल रन टाइम है 5 घंटे का। एनिमेटेड समझकर अगर छोड़ रहे हो तो मैं बता दूं तुम्हें कि भारी मिस्टेक हो जाएगी तुमसे। व्हाट इफ के बाद मार्वल ने सोचा कि चलो अब सेलेस्टियल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इनको इंट्रोड्यूस किया था इटर्नल्स में, जो पब्लिक को कुछ खास पसंद नहीं आई। अगर पसंद नहीं आई तो $500 मिलियन से ज्यादा कैसे कमाए इन्होंने। इटर्नल्स के बाद एक और सीरीज देखने को मिली, जो कि फाइनली थी हॉकआई पर। इसमें हॉकआई की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए केट बिशप के कैरेक्टर को सेटअप किया गया है। इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और इसका भी टोटल रन टाइम अराउंड 5 घंटे का ही है। सीरीज एकदम क्रिसमस वाली वाइब्स देगी तुम्हें। हॉकआई के बाद हमारी, यानी कि फैन डिमांड पर देखने को मिली 3-3 स्पाइडरमैन वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि रिलीज हुई थी 17 दिसंबर 2021 में। पूरी की पूरी मूवी अलग अलग प्रकार से अलग अलग विलेन पीटर की लेते हैं और एट दी एंड हमारे एमसीयू वाले पीटर की जिंदगी भी हमारी तरह ही हो जाती है, दुख दर्द पीड़ा सब एक साथ। और उसी दुख को आगे कंटिन्यू करते हैं मार्क और स्टीवन मून नाइट सीरीज में। इजिप्शियन माइथोलॉजी पे बेस्ड ये सीरीज स्टीवन की लाइफ को दिखाती है, जो कि मून गॉड खोंशु का अवतार होता है। सीरीज काफी अच्छी है और इसके भी टोटल 6 एपिसोड्स हैं। अगर तुम्हें मून नाइट पूरी देखनी है तो तुम्हें अपनी लाइफ में से 5 घंटे देने पड़ेंगे इसे। मून नाइट के बाद हमें देखने को मिली वांडा मल्टी, हाँ पता है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसकी रिलीज डेट थी 6 मई 2022 और ये मूवी काफी अच्छी तरह से मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दिखाती है। इसमें तुम्हें वांडा भी देखने को मिलेगी, या यू कहूं कि वांडा ही देखने को मिलेगी। मस्ती मजाक को साइड रखते हुए बात करते हैं अगली सीरीज की, जो कि है मिस मार्वल। इसमें हमें कमाला खान का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि काफी फैसिनेटेड होती है कैप्टन मार्वल से। उसे अपनी पावर्स मिलती है एक ब्रेसलेट से, जो कि उसकी फैमिली में काफी टाइम से चले आ रहे थे। ये सीरीज रिलीज हुई थी जून से लेकर जुलाई के बीच में 2022 में और इसके टोटल 6 एपिसोड्स थे। इसका टोटल रन टाइम की बात करें तो वो था ऑलमोस्ट 4.5 घंटे। और फाइनली इसके बाद रिलीज हुआ था एक मजाक, थॉर लव एंड थंडर, जो कि 8 जुलाई 2022 यानी कि अभी रिसेंटली आई हुई मूवी है। इसमें हमें गॉड द गॉड बुचर देखने को मिला है, जो कि गॉड्स को मानना चाहता है, जिसे थॉर मजाक मजाक में ही हरा देता है। और इसी के साथ फेज 4 की सारी मूवीज एंड सीरीज जो कि अब तक रिलीज हो चुकी है, वो सब मैंने अभी तक कवर कर दी है। एंड प्लीज नोट, अभी 2 प्रोजेक्ट्स बचे हैं, जिसमें से एक है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ, जो कि अभी 2 दिन बाद अगस्त 17, 2022 को रिलीज होने वाला है, जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स होंगे और जिनकी लेंथ होगी अराउंड 30-30 मिनट्स। इसमें हमें ब्रूस बैनर की कजन जेनिफर वॉल्टर्स एज ए शी हल्क देखने को मिलेगी एंड ये रिलीज होगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके एपिसोड्स का ब्रेकडाउन तुरंत ही आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लो यार और बेल आइकन को भी दबा दो। और फेज 4 की समाप्ति होगी नवंबर में आने वाली वकांडा फॉरएवर से, जो कि चैडविक बोसमैन को एक फेयरवेल बिट करेगी एंड एक न्यू ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस भी करेगी। फेज 4 में हमें यही सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। साला फेज 4 इतना भी बुरा नहीं है जितना इसे बोला जा रहा है। थॉर लव एंड थंडर को हटा दे तो। अच्छा, सॉरी, ये आखिरी था।
खैर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और शेयर करो मेरी और अपनी ही तरह मार्वल के चुमदों के साथ। और अगर पॉप कल्चर वर्ल्ड तुम्हें फैसिनेट करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अगस्त खत्म होने में अभी केवल 15 दिन बचे और अभी 100 सब्सक्राइबर कम है 500 में। अगस्त खत्म होने से पहले पहले अगर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो मैं तुम्हें शीहल्क का नंबर दूंगा। देख लो, मर्जी तुम्हारी है। चलो, वॉचर मिलेगा तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए होती है फिर।